जालंधर के फोकल पॉइंट फ्लाईओवर का खस्ता हालत के लिए एनएच अथॉरिटी पूरी तरह से जिम्मेवार है। टीवी वन इंडिया न्यूज की टीम ने आज पठानकोट चौक से लेकर फोकल पॉइंट की नहर तक जायजा लिया और देखा कि एनएच के कर्मचारी इसकी रिपेयर के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे हैं और यहां से पुल को रिपेयर किया गया है। वहां पर से हमारे पत्रकार ने हाथ से ही मिट्टी उठाकर दिखाई, जिससे साफ पता चल रहा था कि रिपेयर के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। एक जगह तो 4 से 5 फीट का गड्ढा था। जिस जगह पर 4 से 5 फीट का गड्ढा था, उस जगह पर 2 दिन पहले ही रिपेयर किया गया था। जो मिट्टी धंसने की समस्या आ रही है, वो सिर्फ जालंधर से अमृतसर को जाने वाली रोड पर ही आ रही है। लगता है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए बलप्रीत सिंह के साथ गुरदीप सिंह की रिपोर्ट, जालंधर, पंजाब। क्लास 4th गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियन पंजाब के सदे पर जंगलात विभाग के दर्जा 4 कच्चे कर्मचारियों ने नाभा में पंजाब के जंगलात मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की रिहाइश के आगे सैकड़ों कर्मचारियों, पंजाब सरकार और पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर क्लास 4 यूनियन पंजाब के प्रधान दर्शन सिंह लुबाना ने कहा कि जंगलात के 4000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा और पंजाब में 6वां वेतन कमीशन को लगाया जाए। उन्होंने कहा कि 22 महीने से पिछला बकाया भी नहीं दिया जा रहा। लुबाना ने कहा कि हम 25 जुलाई को पंजाब सरकार के पुतले को फूकेंगे और इसके साथ ही नाभा के नायब तहसीलदार कलभूषण शर्मा को मांग पत्र भी दिया। बता दें कि पंजाब सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से जंगलात विभाग के कच्चे कर्मचारी संघर्ष की राह पर चल रहे हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने कच्चे कर्मचारियों को भरोसा दिया था कि हम उनकी मांगों को जल्दी पूरा करेंगे। 4 मीटिंग होने के बावजूद मंत्री साहब उनको मीठी गोली देकर रफूचक्कर हो जाते हैं। आज पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की पहली रिहाइश का घेराव किया गया और पुलिस ने उनकी कोठी पहुंचने से पहले ही रोक लिया। और इस मौके पर नाभा नायब तहसीलदार कलभूषण शर्मा ने धरनाकारियों से मांग पत्र लेते हुए कहा कि यह मांग पत्र पंजाब सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा। आज जगरात मंत्री साधु सिंह धर्मसोत जी की कोठी प्रोटेस्ट करने आए हैं, क्योंकि जगरात विभाग 10-10, 15-15 साल तो लगातार ड्यूटी करते दिहाड़ीदार कामे, जिन्हों पंजाब विधानसभा जो पास किया एक्ट है, रेगुलेशन एक्ट 2016, वो शनमुख पक्का नहीं किया जा रहा, तो ना ही उन्होंने कोई पंजाब दे विच कोई जी ठीक तरह की सिक्योरिटी बनी है। सो इस करके अज असी प्रोटेस्ट करना आए हैं कि उन्होंने कर्मचारियों को पंजाब विधानसभा जो पास किया एक्ट है, वो रोशनी दे विच समुचे कच्चे कामे ने जो जगरात विभाग के जी कारपोरेशन उन्होंने सेवावां नूं पक्का किया जाए। तो जिहड़ी उन्हां दीआं 6-6 महीने तनखाह नहीं दिंदे, उन्हां दा आर्थिक शोषण हो रहा, उन्हां दीआं तनखाह समय सिर मिलन, जिहड़े डेली वेज कामे ने। सो ये बेनती करके जी इत्थे कैबिनेट मंत्री दी कोठी लगातार मिलन दित्ता जा रहा, की कहना चाहुंदे हो? देखो, ये तो सरकार जिहड़ी हैगी, जदों 2-2.5 साल पहलां पंजाब दे विच अमरिंदर सिंह दी सरकार आई सी, उदों उन्हां ने पंजाब दे लोकां नाल वादे किए ते पंजाब दे इंपलाई नाल भी वादे किए कि असीं राजगद्दी ते बैठण तों बाद पहली कैबिनेट मीटिंग दे विच जो विधानसभा का एक्ट है उन्होंने लागू करांगे, तो पंजाब के मुलाजमान सेवा पे कमीशन देवांगे, उनका DA का करोड़ों रुपया वो देवांगे, तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करांगे। ये समझदे आ कि वो सारे वादियां तो पंजाब की सरकार, पंजाब की कैबिनेट पिछे मुड़ी है, उन्हें पासा बटिया, इस करके पंजाब के मलाई ने जोड़े वो पंजाब का पंजाब एंड ड्यूटी इंपलाई तो पेंशन एक्शन कमेटी का फ्रंट बना के सारे पंजाब जदोजहद कर रहे हैं, मरण वर्त वर्गे एक्शन किए जा रहे हैं गे, और 25 तरीक न सारे पंजाब के जिला हैडक्वाटर से इस कैबिनेट सब कमेटी के पूतले बना के जी कुंभकरण की नींद पई है, बैठी है सरकार, उन्होंने जगाउण वास्ते बड़े द्यो कद असी बहुत बड़े पूतले बना के फूकांगे, और जे लोड़ पई तो उस तो बाद भी सरकार ने ध्यान दिता, बैठ के गलबात ना हल की, तो फिर कैप्टन साहब के महलों वालों भी पंजाब का हजूम लैके जावे। इस करके जिनी देर तक साड़िया मंगा नहीं मन जा, असी प्रोटेस्ट जारी रखा। मानयोग वण मंत्री दे आए नाभे, 3 वारी पहला प्रोटेस्ट कर लिया, 1 वारी इन्होंने मीटिंग भी हुई है, मीटिंग दौरान इन्होंने प्रोपर डिपार्टमेंट्स के 4th दर्जा कर्मचारियों वालों अपन मंगों के संबंधी धरना दिता जा रहा, जिमें कि DA दी किश्तां जां फिर जिहड़े 2004 तो बाद मुलाजम भर्ती होए ने उन्होंने पेंशन वगैरह होर भत्ते वगैरह देने संबंधी है। एक जंगलात वाले कहिंदे भी 4000 जिहड़े कच्चे कर्मचारी आ उन्हां नूं पक्का करन वास्ते संबंधी भी धरना दिता जा रहा। हाँ जी हाँ जी, तो वह भी दे रहे हैं, जंगलात महकमे के कर्मचारी भी नाल ने, 4000 कर्मचारी इन्हां दा कच्चा, उह कहिंदे भी सानूं रेगुलर पक्का किया जाए। ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਫਿਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ।
ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜੀ? ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਈ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਟੀਵੀ1 ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਅਮਰਦੀਪ ਆਹੂਜਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਾਭਾ ਪਟਿਆਲਾ।